प्रदेश के पशुधन मत्स्य पालन एवं दुग्ध मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं। बड़बोले मंत्री जी ने भगवान को नया नाम दे दिया है। उन्होंने भगवान का नाम दिव्यांग बताया है। इसके साथ ही मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने मीडिया कर्मियों को भी नसीहत दी। उन्होंने एक सवाल पर कहा कि अच्छी अच्छी बातें करो, आप अच्छे लोग हो। योगी सरकार के मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण दो दिनों से बदायूं जिले में डेरा डाले हुए हैं। बुधवार को उन्होंने पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। पहले तो मंत्री जी ने राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं का गुणगान किया। इस दौरान उन्होंने बातों ही बातों में भगवान को दिव्यांग बता दिया। उन्होंने कहा पहले विकलांगों को ऐसे नामों से बुलाया जाता था, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री ने उनको दिव्यांग कहा। दिव्यांग भगवान का नाम है। शाहजहांपुर कांड मामले में स्वामी चिन्मयानंद की गिरफ्तारी ना होने को लेकर हाल ही में पीड़िता के बयान पर पूछे गए सवाल के बाद उन्होंने पत्रकारों को ही नसीहत दे डाली। प्रेस वार्ता से उठकर जाते हुए चौधरी लक्ष्मी नारायण ने कहा कि आप सब अच्छे लोग हैं, अच्छी बातें किया करें, यह बातें अच्छी नहीं हैं। जिन्हें लोग अब तक बड़ी हेय दृष्टि से देखते थे, कोई कहता था विकलांग, कोई कुछ कहता था, कोई अष्टावक्र, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उनके स्वाभिमान को बढ़ाने के लिए उनको दिव्यांग नाम दिया। और दिव्यांग तो ईश्वर को कहा जाता है। करने का सवाल है, वो आप लोगों से कोई छुपा नहीं है। चाहे वृद्धावस्था पेंशन हो, जिसमें हमारी सरकार ने पूर्ववर्ती सरकारों में जो 300 रुपये थी वो 500 रुपये की गई, और अकेले यही 10,372 लोगों को ये पेंशन दी गई है। निराश्रित महिलाओं की जो पेंशन है उसको भी बढ़ा के हमने 500 रुपये किया। यहाँ 10,458 नए पेंशनर स्वीकृत किए गए हैं। जो पहले हैं वो तो सब है ही, इस वर्ष स्वीकृत किए गए हैं। इसके अलावा जिन्हें लोग अब तक बड़ी हेय दृष्टि से देखते थे, कोई कहता था विकलांग, कोई कुछ कहता था, कोई अष्टावक्र, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उनके स्वाभिमान को बढ़ाने के लिए उनको दिव्यांग नाम दिया। और दिव्यांग तो ईश्वर को कहा जाता है। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने दिव्यांग जन को 300 रुपये से बढ़ा के 500 रुपये पेंशन की, जिसमें पिछले वर्ष 4,278 नए पेंशनर स्वीकृत किए गए और 500 रुपये प्रति महीने दी गई। इसी तरह से 1,19,056 व्यक्तियों को अटल पेंशन योजना का भी लाभ बदायूं जिले में दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने बात की है बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, योगी जी भी उस वक्तव्य को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन अभी यह घटना हुई है शहजहांपुर, उस एक पीड़िता ने आरोप लगाया चिन्मयानंद और सारे साक्ष्य भी सामने आ गए। SIT जांच चल रही है। उस लड़की का आज एक स्टेटमेंट आया है कि मुझे लगता है पुलिस और प्रशासन जो है उनको बचाने की कोशिश कर रहा है, अगर वो मेरी मौत चाहता है तो क्या मैं सुसाइड कर लूँ। तो आपकी सरकार है और इतने बड़े कांड के बाद अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई, कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्या कहेंगे? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना आदरणीय है प्रधानमंत्री जी ने, जिस दिन से बेटी पैदा होगी और जब तक बेटी शादी के लायक, जो बेटी की शादी के लायक हो तब तक उन्होंने किस्तों में कहा है इतने दिन में 5,000 रुपये जमा, इसके बाद इतने रुपये जमा। अरे अच्छे लोग अच्छी बातें किया करते हैं। JBD बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, world class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting, a perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.
ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।